नाजरीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद असलम, यूट्यूब चैनल सून वैली पे। कल मैंने आपको गाड़ी पे बैठ के गांव दिखाए थे, आज मैं एक और तरफ आया हूँ शहर से बाहर। ये जी आर्चर्ड फील्ड मेरे पीछे है। ये नाजरीन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। आज भरपूर आपको गांव की लाइफ दिखाएंगे, कोशिश करेंगे किसी से बात हो जाए। ये फार्म हाउस हैं, तो आए मेरे साथ ही रहें, आपको दिखाते हैं जी। ये नाजरीन, ये इस गांव के माहौल का ये हाल है, ये ऐसा माहौल है इस गांव का। कल मैं वो नार्थ की तरफ गया था, ये मुर्गियाँ खुली फिर रही है जी, जैसे हमारे यहाँ फिरती है। ये देखें नाजरीन, ये नाजरीन जो इन्होंने ये रोल से बनाए हुए हैं, गाड़ियों में लोड कर रहे हैं, ये भूसा है, तूड़ी तो हम तूड़ी कहते हैं। ये इन्होंने बना के रखा हुआ है जी, और ये फ्लोर थोड़ा सा करते हैं जी। ये भेड़े जा रही हैं इनकी, बहुत आज नाइस तरीके से। ये नाजरीन देखें, ये इन्होंने गोबर भी इधर रखा हुआ है, जिसको हम ओल बोलते हैं पंजाबी में। ये नाजरीन, ये इस मशीन पे, ये इस ट्रैक्टर है या क्या, इसमें ये लाए हैं, और ये गंदम के इधर ये जी डैम्प लगा रहे हैं। ये इस गाड़ी में गंदम है, तो ये गंदम का गोदाम बनाया हुआ है इन्होंने। तो कौन है पहले भाई, इससे इजाज़त ली है? मैंने कहा यार मैंने वीलॉग बनाना है, पाकिस्तान से आया हूँ, तो कहता है कोई बात नहीं है, यू आर अलाउ। कह यार थैंक यू। ये जी ये गंदम पड़ी है सारी जनाब, ये इस पर गंदम लोड, अभी ये अनलोड करेगा इसको। तो एक साइड तो इसने भर दी है इस साइड से, ये नाजरीन ये गंदम के ढेर लगे हुए हैं, ये देखें जी। ये नाजरीन देखें भूसा इन्होंने कैसे इकट्ठा किया हुआ है, बड़े तरीके से रोल बना के रखे हुए हैं जनाब। ये बंडल बने हुए हैं, ये रोल हैं जी, वो भी बंडल हैं ये सारे। ये सारी इनकी एग्रीकल्चर मशीनरी पड़ी हुई है जी सारी। ये इन्होंने बाहर रखे हुए हैं, अभी अभी बंडल बना के इनको प्लास्टिक चढ़ा दिया ताकि ये बारिश से ख़राब ना हो। ये जी ये बहुत बड़ा फार्म हाउस है जी इनका, तो ये नाजरीन ये जानवर इन्होंने
ये भी सब भेड़े हैं बाहर इनकी। मैं ज़रा जूम करके दिखाता हूँ, ये भेड़े चर रही हैं जी बाहर, जैसे हमारी चरती हैं, हमारे डंगर ढोर चरते हैं ऐसे ये चर रहे हैं। नाज़रीन ये बहुत मुनफरिद किस्म की वीडियो बनाई है, और इंशाल्लाह जो देहाती लोग हैं ये उनको पसंद आएगी। ब्रदर थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। यू आर फार्मर? नो, आई जस्ट हेल्प। ओके 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 ओके। ये जनाब इनसे परमिशन ली है, तो ये देखें जी वो ट्रक पे गंदम है, ये अब इसको उस साइड पे अनलोड करेगा। ये भी इनका आजकल कटाई का मौसम है, ये कटाई करके साफ करके ये इधर इन्होंने डैम्प लगा दी है। माई भी आ गई ये दे, तो थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये नाज़रीन ये इस फार्म हाउस की हैं ये सारी भेड़ें। सामने डेरा है जी, जिसको हम डेरा बोलते हैं, ये फार्म हाउस कहते हैं, हम डेरा कहते हैं। साइड से देखें, लेफ्ट साइड से ही है। फरमाएं ये गाय है, चिड़िया पली हुई है गावान की। ये नाज़रीन एक और फार्म हाउस में आ गया हूँ। यहाँ तो क्या पुरसकून माहौल है, क्या खूबसूरती है। ये नाज़रीन इधर गाय चर रही हैं, ये दिखाते हैं जी आपको।
the rest go. ये नाज़रीन देखें, हमारी तरह छिरके बने हुए हैं, छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं, लेकिन गाड़ियां जा रही हैं। ये इधर नाज़रीन नज़दीक जाकर बनाते हैं इसको, उनसे इजाज़त तो ले ली है, कहते हैं भाई बनाएं आप जो मर्जी बनाएं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये आगे से जनाब इन्होंने ये वाड़ा बंद किया हुआ है। चलो आप इधर खड़े होकर आपको दिखा देते हैं जी सारा। माशाल्लाह ये नाज़रीन ये वाड़ा बंद किया हुआ है, ये मोटरसाइकिल वाला ताला लगा हुआ है इधर, ठीक है जी। तो ये आपको दिखाते हैं, गाय बड़े गौर से मुझे देख रही है। मैंने कहा चलो जी ये देखें नाज़रीन, बड़े गौर से ये गुस्से से देख रही है, प्यार से देख रही है। बाहर आ चलो, ये जरा दूर है, इनको जरा एक्सप्लोर करते हैं ज़ूम करके। ये नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएं, माशाल्लाह खूबसूरत गाय है, पली हुई। यार इन जानवरों में डिसिप्लिन है। ये चारा है जी, ये पता नहीं अब अपने मालकों को बुला रही है कि भाई कौन बंदा आ गया सलवार कमीज पहन के इधर, ठीक है जी। ये देखें जनाब एडिनबरा के देहात का मंजर, ये भी नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाएं, गाय माशाल्लाह खूबसूरत सी चार रही हैं, ये दरख्त के नीचे आराम कर रही हैं जी। नाज़रीन देखें कितना खूबसूरत माहौल है इधर का, नाज़रीन बहुत खुली ज़मीन है इनके पास, इधर ज़री ज़री ज़मीन है, जदीद फार्मिंग करते हैं जनाब ये। ये नाज़रीन इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं और चलते हैं, शाम हो गई है, दूर निकला हुआ हूँ घर से भाई बहुत ज़्यादा, तो कोई बात नहीं, हमें किसने क्या पूछना है, इधर जाएंगे घर जाकर भी, या टीवी देखना है या खाना खाना है, ठीक है। तो ये देखें माहौल सर, कितना ज़बरदस्त व्यू है, देख लीजिए नाज़रीन, शहर में वीलॉग बनाना ज़्यादा आसान है।
किसी पार्क में चले गए, किसी कैसल में चले गए, लेकिन ये दूर उफ्तादा गांव में आना ज़रा। मसला तो क्या है आपके लिए भाई? कोई मसला नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कोई अच्छी चीज़ दिखाएं, गांव गांव वगैरह। शहर तो यार बस शोर शराबा ही है, और इस वक्त शाम के तकरीबन 7:45 हो गए हैं। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त 10:45 होंगे, 4 घंटे का फ़र्क है भाई आजकल पाकिस्तान का और यूके के टाइम का। नाज़रीन चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें, इंशाल्लाह बस यार 2-3 महीने में गांव जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, तो फिर पाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे, अपने वादी सून को दिखाएंगे आपको, और पाकिस्तान के गांव देहात शहर वो दिखाएंगे जनाब। तो हमारे साथ ही रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।